Hello students, today we are going to learn domain theory of ferromagnetism. Wess is the name of the scientist and he put forward a domain theory for ferromagnetism. Wess naam ke scientist ne domain theory of ferromagnetism unhone banaya aur usme unhone ye postulate kiya. He postulated that in ferromagnetic substance the effective magnetic field on each magnetic dipole produced due to spin motion is the vector sum of externally applied magnetic field and the strong internal magnetic field produced due to interaction of other neighboring magnetic dipole. तो वेस ने ये postulate किया about the ferromagnetism that जो effective magnetic field है on each magnetic dipole, जो हमने magnetic dipole बताया था, तो वहाँ पे जो effective magnetic field जो है वो produce होता है किसके कारण, due to spin motion. अब spin motion हो रहा है तो वहाँ पे हमें vector sum करना है, vector sum of externally applied magnetic field. अभी हमने external जो apply magnetic field किया वहाँ पे उसका वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ अदर नेबरिंग मैग्नेटिक डायपोल. अदर नेबरिंग मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो रहा, इन दोनों का जो एक्सटर्नल वेक्टर सम होगा, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेगा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच मैग्नेटिक डायपोल. ठीक है, तो वेस पुट फॉरवर्ड अ डोमेन थियरी फॉर फेरोमैग्नेटिज्म. ही पोस्टुलेटेड दैट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन मोशन इज द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ अदर नेबरिंग मैग्नेटिक डाइपोल. This internal magnetic field is so strong, जो internal magnetic field जो strong है, such that such groups of magnetic dipole are formed within the substance which have same alignment and thus the substance is subdivided into many regions. These groups or small regions are called as domain. तो ये अभी हमने एक ferromagnetic substance को consider किया है, अब इसके अंदर जो internal magnetic field है वो इतना strong रहेगा, वो छोटे छोटे groups में वो divide हो जाएगा, सब डिवाइड होगा और हर ग्रुप को हम बोलेंगे, नाम देंगे डोमेन. इस ग्रुप्स को नाम दिया गया है डोमेन. वॉल्यूम ऑफ ईच डोमेन, अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं. ये जो वॉल्यूम डोमेन बना है वो 10^-6 सेंटीमीटर क्यूब से 10^-2 सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ ईच डोमेन इज नियरली 10^-6 सेंटीमीटर क्यूब टू 10^-2 सेंटीमीटर क्यूब. द बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट डोमेन, अब एडजेसेंट डोमेन के बीच वाली जो डोमेन है, बाउंड्री है, उसे हम डोमेन वॉल बोलेंगे और डोमेन वॉल की जो थिकनेस है वो 10 नैनोमीटर के बराबर है. देयर आर नियरली 10^17 to 10^21 सच एटोमिक डायपोल इन ईच डोमेन. ईच डोमेन में 10^17 से 10^21 एटोमिक डायपोल्स हो सकते हैं विच हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट. The direction of magnetic moment of magnetic dipole in one domain is different from that of other neighboring domains. In fact, each domain has the magnetic moment in a definite direction. अब हर domain के पास magnetic moment है, वो एक definite direction में रहेगा. There are large number of such domains inside the entire substance. एक substance को हमने consider किया तो उसके अंदर बहुत सारे domains होंगे. In absence of the external magnetic field, all the magnetic domain within the substance are randomly oriented. ठीक है, अब in the absence of external magnetic field, अब कोई magnetic field हमने apply नहीं किया, तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो कैसा रहेगा, रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा सब्सटेंस के अंदर, सच दैट देयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी डायरेक्शन, अगर उसका हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट किया इन एनी डायरेक्शन इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. When the ferromagnetic substance is placed in an external magnetic field, the substance get magnetized. क्या होता है, जब ferromagnetic substance को हम external magnetic field में रखते हैं तो substance क्या हो जाता है, magnetized होता है. अब magnetized होने के दो reasons है, there are following two reasons for the magnetization of the substance. First है, the domain begin to align such that the direction of the magnetic moment come in the direction of external magnetic field. हम जिस direction में external magnetic field हम apply करेंगे
करके वहाँ ये जो डोमेन्स है वो अलाइन करना, अपना डायरेक्शन अलाइन करना शुरू कर देगा, ठीक है। द डोमेन्स बिगेन टू अलाइन सच दैट द डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड द रीज़न टू, सेकेंड रीज़न है द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन बिगेन टू डिस्प्लेस। अब क्या होगा, बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन क्या होगा, डिस्प्लेस करना शुरू हो जाएगा। द डोमेन्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज इन साइज। अब जो भी डोमेन के डायरेक्शन और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है, वो वाले डोमेन क्या करेंगे, अपना साइज इंक्रीज करेगा, और बाकी जो डोमेन रहेंगे जिसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, वो डिक्रीज इन साइज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उसका डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम आया तो वो वाला डोमेन्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज होगा, और बाकी जो डोमेन रहेंगे जिसके डायरेक्शन एक्सटर्नल डायरेक्शन से अलग रहेंगे वो क्या होगा, डिक्रीज इन साइज होगा। अब इस स्लाइड में मैंने डोमेन दिखाया है ए बी सी डी, चार डोमेन है, और इन एब्सेंस ऑफ द फील्ड ये रैंडमली ओरिएंटेड है, सो दैट देयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज ज़ीरो। अब ये स्लाइड में देखो, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड अप्लाई किया ए बी सी डी, अब सिर्फ बी का डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के बराबर है तो रोटेशन, अब क्या होगा, जब फील्ड मैंने अप्लाई किया तो रोटेशन ऑफ डोमेन होना शुरू हो गया है, रोटेशन ऑफ डोमेन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। अब तुम्हें ध्यान देना है, मैंने ए बी सी डी जो दिया है उसमें बी का डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड से मैच हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थियरी तो क्या होगा, बी का जो साइज रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। नाउ ये स्लाइड दिखा रहा है, देखो एक्सटर्नल फील्ड बी का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो गया, डोमेन बड़ा हो गया, और बाकी ए सी एंड बी क्या हो गए, वो छोटा, ये डिक्रीज इन साइज हो गया। When the external magnetic field is weak, the substance is magnetized mainly by the displacement of the boundaries of the domain. ठीक है, अगर external magnetic field weak रहा तो magnetization कैसे हो रहा है, displacement of boundaries of domain के कारण हो रहा है। और when external magnetic field अगर मैंने apply किया वो बहुत strong है तो magnetization किसके कारण हो रहा है, rotation of domains के कारण हो रहा है, rotation of domains। So यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर weak field है तो displacement of boundaries of domain के कारण हो रहा है, और अगर field अगर strong है तो फिर रोटेशन ऑफ डोमेन के कारण मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो फिगर अभी जो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा फिगर दिया है, वहां पे मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड मेनली बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन, व्हाइल व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग द मैग्नेटाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन। फिगर इन द वीडियो शो द मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज कर रहे हैं ऑन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो से इंक्रीज करेंगे अप टू ए रिवर्सिबल डोमेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज विल टेक प्लेस, यानी अप टू ए तक हम उसको ना रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको ओरिजिनल बैक लेके आ सकते हैं, बट फर्दर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो इट विल मूव टूवर्ड्स इरिवर्सिबल डोमेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज में चला जाएगा। ए के बाद बी तक इरिवर्सिबल है, यहां तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। एंड जैसे ही हम बी को क्रॉस करेंगे, बी इज दिस पॉइंट, बी को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहां पे डोमेन रोटेशन विल स्टार्ट प्लेस। यहां पे क्या होगा, डोमेन क्या है, अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो जीरो टू ए रिवर्स कर सकते हैं हम, रिवर्स बैक को मटेरियल को लेके आ सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी इरिवर्सिबल डोमेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज है, और बी से सी में क्या होता है, डोमेन रोटेशन, सी में जाके यहां स्टॉप हो जाता है, एंड इट विल कंप्लीटली द डोमेन रोटेट कंप्लीटली इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज क्लियर दैट इन ए वीक मैग्नेटिक फील्ड इन ओ ए पार्ट, जो डायग्राम में ओ ए पार्ट दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन इज रिवर्सिबल। यहाँ पे कैसा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन कैसा है, रिवर्सिबल है। दैट इज ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन कैसा हो जाएगा, कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन में वापस आ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर से हमने फर्दर इंक्रीज किया, ए से बी पार्ट में गया,
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन इज इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन कैसा है, इरिवर्सिबल है, एंड द सब्सटेंस कैन बी रेडिली मैग्नेटाइज। अब क्या होगा, हम सब्सटेंस को हम रेडिली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। एट द पॉइंट बी द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ डोमेन गेट सो ओरिएंटेड। अब बी पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, सो ओरिएंटेड दैट देयर डायरेक्शन बिकम पैरेलल टू दोस ऑफ द डोमेन। ठीक है, अभी कैसा हो गया, डायरेक्शन पैरेलल टू दोस ऑफ द डोमेन इंक्रीजेस इन देयर साइज। ठीक है, बी पॉइंट में क्या हो गया, अभी साइज बढ़ने लग गया। नाउ विथ फर्दर इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने फिर से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया। अभी हम कर्व बी सी पार्ट पे है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डोमेन। किसके कारण है मैग्नेटाइजेशन, अब रोटेशन ऑफ द डोमेन के कारण है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड हेंस मैग्नेटाइजेशन, इसके बाद मैग्नेटाइजेशन, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। थैंक यू।